देखिए जितने भी लगते घर है ना साथ के नदी के, तो उनको खतरा हो चुका है और काफी घर तो बह भी चुके हैं। मतलब कुल्लू मनाली से होते हुए सैलाब आ रहा है। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी जो पुल है, ये पुराना पुल था पंचवक्त्र महादेव जी के नाम से इसको जाना जाता था, तो इस पुल को भी प्रॉपरली अब टोटली जिसको बोलते हैं कि बंद हो चुका है। अभी दिक्कत ये आ रही है कि जितने भी साथ लगते घर है, जैसे कि वो आप घर देख रहे हैं, तो उस तरह के जो घर है ना उनको प्रॉपर दिक्कत है। और ये जो मंदिर है ना, इसमें बोला जा रहा है कि 95 के बाद अब ऐसा सैलाब आया है बहुत इतने सालों बाद ब्यास नदी का। सो द थिंग इज कि मुझे नहीं लगता कि जो पहाड़ों की नदी है वो कभी अपना रास्ता छोड़ेगी आने के लिए। तो लोगों को ये जागरूकता रखनी चाहिए कि इतनी नज़दीक भी ना जाएं प्रकृति के कि आपको वो बर्बाद ही कर दे। एडमिनिस्ट्रेशन ने तो बहुत अच्छा काम किया है, पूरा प्रशासन, नगर निगम, मंडी और इनके समस्त जितने भी कर्मचारी हैं सब मौके पर यहाँ मौजूद थे और पल पल की जानकारी जो है ये ले रहे थे। लेकिन पानी को तो कोई, बारिश और पानी को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इस बार जो है नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। पहले 95 में भी ऐसा आया था लेकिन उस वक्त इतना नहीं था, इस बार तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं पंचवक्त्र मंदिर का जो अभी हाल में पुरातत्व भागवार या डंगे लगाए गए थे ये पूरे बह गए यहाँ पे, और हनुमान मंदिर को नुकसान हुआ, पार्किंग को नुकसान हुआ और सामने वाली शमशान घाट है वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है।